आज जन्माष्टमी का दिन है और हम लोग आज 5 बजे निकलेंगे। वेद वन पार्क के लिए निकल रहे हैं जो नोएडा में पड़ता है, 78 सेक्टर है। तो वेद वन पार्क में जो भी है और चल के हम आपको उसके बारे में जानकारी देंगे, तो चलते हैं। हम लोग अब गाड़ी में बैठ चुके हैं, वेद वन पार्क के लिए निकल रहे हैं, तो अब चलेंगे हम आगे। तो हम वेद वन पार्क में पहुंच गए हैं। यह है वेद वन पार्क और अब हम लोग चलेंगे पार्क के अंदर। तो चलते हैं, देखते हैं अंदर पार्क में क्या क्या चीज़ है। ये पार्क जो है सप्त ऋषियों से आधारित है ये पार्क, और ये पार्क जो है ऋषि मुनियों को समर्पित किया गया है। 7 ऋषि मुनियों की यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई हैं जो हम देखेंगे। के बारे में दर्शाया गया है, जानेंगे हम इसके बारे में कि अंदर में क्या क्या कैसे कैसे हैं। और ये सेक्टर 78 में नोएडा में है और काफ़ी बड़ा पार्क है ये। 12 एकड़ में वेद वन पार्क का निर्माण किया गया है। 29,300 वर्ग मीटर में फैला ये पार्क है। तो इस पार्क के जो है ये देखिए, कुछ स्टील से बनाया गया है, किसी ऋषि मुनि का है, लेकिन इस पर नाम नहीं लिखा हुआ है। और इस पर लिखा हुआ है कि डोंट टच दिस, आप इसको टच ना करें कभी, हाथ भी कटने का डर है। मैं टच करके देखूँ क्या, मजबूत है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे ऋषि मुनि की जो मूर्तियाँ हैं स्थापित की गई है। ये भारतीय संस्कृति के आधार पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ऋषि अत्रि बताते हैं कि किसी की समिति आए हो उसे उदार। यहाँ पे कचनार का पेड़ लगाया गया है और धीरे धीरे काफ़ी पेड़ लगाए गए हैं यहाँ पे। और यहाँ का व्यू देखिए कितना बढ़िया है। ये पीछे जितनी भी हैं फ्लैट बने हुए हैं, सोसाइटीज़ हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। आप लोग भी यहाँ पे आइए और यहाँ का एंजॉय कीजिए, मज़ा लीजिए। शाम के समय में आइए। शायद ऋषि अगस्त जी का मेरे ख्याल से प्रतिमा बनाया गया है और काफ़ी बड़ी है। बाकी देखते हैं ऋषि अगस्त जी की ही प्रतिमा है या किसी। ये प्रतिमा जो है दुद्रासु, इसमें सब लिखा गया है, ये चीज़ बताई गई है। आप ये देखिए, बारे में जानेंगे जो यहाँ पे दर्शाया गया है। ऋग्वेद, ये है यजुर्वेद, इन वेदों के बारे में बताऊंगा मैं आपको। और ये है सामवेद। तो ये 4 वेदों के बारे में यहाँ दिया गया है वेदिक में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये बारे में यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है। और ये ऋषि यहाँ पे एक चित्रकार किया गया है। और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे है, घूमने में ठीक तो लग रहा है, शाम का समय है और अच्छा लग रहा है। फिलहाल ठंडी ठंडी यहाँ पे हवा चल रही है, काफ़ी लोग आए हुए हैं। और काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे और अच्छा लगता है लोगों को घूमना। बहुत बढ़िया नज़ारा है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। ये बच्चा भी साइकिल लेके घूम रहे हैं यहाँ।
और हम लोग देखते हैं ये बनाया गया है ऋषि गौतम। यहाँ पे बच्चों के लिए झूले वूले भी बनाए गए हैं और जो बच्चे आकर के अपना झूला वूला झूल सकते हैं। ये देखिए बच्चे झूला झूल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे गायत्री मंत्र लिखा हुआ है गोले पे और गोल बीच में हम दिखाते हैं ओम भगवत सह और आगे क्या है ये देखिए। तो आपने देखा ये गायत्री मंत्र यहाँ पे लिखा गया है इस पूरे गोले पे और इसमें मंत्र का उच्चारण भी किया गया है। यहाँ भी प्रतिमा दी गई है और ऋषि मुनि हैं जो देखते को शायद वशिष्ठ हैं, वशिष्ठ ज्ञान दे रहे हैं अपने शिष्यों को। तो उनको मैं आपको दिखाता हूँ कि ऋषि वशिष्ठ जी कितने लोगों को यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। वो ये देखिए ऋषि वशिष्ठ जो है कम से कम नहीं तो 16 लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। बाकी ये लोग भी बैठे हैं, ये भी ज्ञान लेने के लिए बैठे हैं। और हम आगे दिखाते हैं भगवान ऋषि वशिष्ठ जी को इस तरह से हैं और काफ़ी अच्छा है। मैं देखूं फोकस हुआ इस तरह से ये लोग भी यहाँ पे ज्ञान लेने के लिए बैठ गए हैं। सोच रहे हैं कुछ ज्ञान में मिल जाए हमको भी। वशिष्ठ जी का प्रतिमा है हमारा इस तरीके से। ये हैं ऋषि वशिष्ठ जी। आपने देखा यहाँ पे लेजर लाइट भी दिया गया है, रात जैसे अंधेरा होता है यहाँ पे लाइटिंग का भी। ये हैं ऋषि वशिष्ठ। जहाँ जहाँ पे उनकी प्रतिमा है बनाई गई है वहाँ वहाँ पे इन लोगों का नाम लिखा गया है सब ऋषि मुनियों का। तो हम आगे चलते हैं। 7 ऋषियों की मूर्ति बनाई गई है और 7 ऋषियों की जो मूर्ति है उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पहले जो ऋषि मुनि हैं हमारे पार्क में ऋषि अगस्त, भारद्वाज, गौतम ऋषि, जगदम्नी ऋषि, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र। उनके ज्ञान का उपदेश दिया गया है जो मैं आपको बताया। आप आगे चलते हैं और हम व्यू देखते हुए चलते हैं क्या क्या यहाँ पे दर्शाया गया है। और ये जैसे अंधेरा होगा वैसे वैसे यहाँ पे लाइटें जलेंगी और काफ़ी अच्छा लगेगा। मंथन से जो चीज़ें निकली गई थी मैं उसको आपको दिखाता हूँ धीरे धीरे। तो समुद्र में से निकलने वाली ये रंभा और हम दिखाते हैं आपको धीरे धीरे। ये हो गए शंख और जेवरात, गहने वगैरह जो कहते हैं। ये चंद्रमा जो भोलेनाथ के सिर पे रहते हैं, ये उनकी प्रतिमा दर्शाई गई है। इंद्रदेव का जो ये वाहन है ऐरावत, धनुष है और ये कुछ ये है अमृत। तो ये सब दर्शाया गया है यहाँ पे। और ये आप आगे घोड़ा है और ये पेड़ जो इंद्रलोक में रखा गया है और आगे है कामधेनु गाय। इस तरीके से ये सब यहाँ पे भी दर्शाया गया है। आपने देखा ऋषि का यहाँ बनाया गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है पार्क में घूमने पे। ठीक है, बढ़िया है। ये कामधेनु के बारे में बताया गया है और इनकी कामधेनु जो गाय है उसकी उनकी प्रतिमा भी बनाई गई है। ये कामधेनु गाय है जो यहाँ पे प्रतिमा बनाई गई है पत्थर से। ये देखिए ये ऋषि जगदम्नी का यहाँ पे दिया गया है, उनके बारे में भी यहाँ बताया गया है ऋषि जगदम्नी।
और ऋषि जगदम्बनी के बारे में हम देखेंगे कि उनकी निशानी क्या है। एक देखिए, ये इनका प्रतीक है। ये धनुष लेके खड़े हैं, जिनका आधा शरीर नहीं दिखाया गया है। बस ऐसे ये इनका तरीके से ये उन्हीं के बारे में लिखा गया है। और यहाँ पे पार्किंग की भी सुविधा दी गई है, यहाँ पे बाइक वगैरह अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, दोनों तरफ खड़ी कर सकते हैं, इधर अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं बहुत फोर व्हीलर, और इधर टू व्हीलर खड़ी कर सकते हैं। और मेघा से तो इसकी काफ़ी अच्छा है, स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत भी नहीं है। काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पर, इस साइड भी ऐसा ही है, काफ़ी अच्छी पार्किंग बनाई गई है। आप लोग भी आते हैं तो अपनी गाड़ी वाड़ी खड़ी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको गाड़ी खड़ी करने में। अंदर चलते हैं फिर देखते हैं। यहाँ जो अगस्त मुनि की जो प्रतिमा बनाई गई है वो बीचों बीच दी गई है पार्क के, और काफ़ी अच्छा है। और जैसे जैसे यहाँ पर अंधेरा होता जाएगा इसका नज़ारा ही कुछ और होता जाएगा, जब लाइटिंग मिलेगी तो और अच्छा लगेगा। तो आप लोग भी आइए और इन्जॉय कीजिए यहाँ पर, और मैं बाकी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। ये वाटरफॉल लगाए गए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने में, दिखाता हूँ मैं आपको। और देखने में अच्छा लग रहा है, तो ये लाइट भी जल रही है बीचों बीच, और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। चौड़ाई इसकी कम से कम नहीं भी तो 20 फीट की चौड़ाई है। आप लोग आएंगे तो आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा। सोसाइटी के लोग बहुत से, यहाँ के जो सोसाइटी के लोग हैं यहाँ पे आते हैं, अपना पार्क में घूमते हैं, टहलते हैं, बैठते हैं और फिर जाते हैं। आगे भी चलते हैं, देखते हैं कि और क्या क्या दिखाया गया है यहाँ पे। और ये पीछे का साइड का है, काफ़ी बड़ा पार्क है। ये ऋषि अत्री जी हैं, ये सूर्य नमस्कार करते हुए यहाँ पर प्रतीक बनाया गया है, ये सूर्य नमस्कार का इस तरीके से। ये देखिए सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है, ये उसी का चिन्ह बनाया गया है यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है। अत्री जो थे अनसुईया के पति थे, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को अपने तपोबल से बालक में बदल दिया था। है वेद वन पार्क का उद्घाटन जो है 4 जुलाई 2023 में किया गया है, योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटन किया गया था पार्क का। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, और अभी यहाँ पे 8 बजे करीब 20 मिनट का प्रोग्राम किया जाता है। ऋषि मुनि के बारे में बताया जाता है, जितने भी सप्त ऋषि हैं, सातु ऋषि हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। यहाँ छोटा मोटा अभी प्रोग्राम हो रहा है, लोग यहाँ पे जो इंतजार कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लाइट का ही इंतजार कर रहे हैं जो यहाँ पे किया जाएगा। और ये देखिए भीड़, काफ़ी भीड़ है, और काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अपनी अपनी जगह घेर के बैठे हुए हैं। छोटा मोटा कुछ ना कुछ शाम को यहाँ पर रात में जैसे ही 7 बजता है प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही 8 बजे का यहाँ पर एक, आप जैसे मैंने आपको बताया वैसा कि ऋषि सातु ऋषि के बारे में बताया जाएगा लेजर लाइट के द्वारा। ये देखिए हम लोग भी चल रहे हैं और यहाँ बैठेंगे, आप भीड़ हैं यहाँ पे देखिए। देखिए यहाँ लाइट जल गई है, अब देखिए ये देखिए लाइटें जल रही है। शाम को आने के बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छा नज़ारा लगता है, और आप लोग भी आइए और यहाँ पे घूमिए। आज जन्माष्टमी का दिन है और यहाँ पे राधा कृष्ण का भजन चल रहा है, तो अब लेजर्स
लेजर शो शुरू हो रहा है, जो लेजर लाइट जलेगी। अभी ओम आया था, पानी के झोरों से कैसे बनाया गया है ये मैं आपको दिखाता हूँ। अभी